हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए भारत जो है सेमीफाइनल में भारत हार गया था और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के जो क्रिकेट प्रेमी थे या जो आम नागरिक थे उनको हुई थी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस क्रिकेटर ने या किस महान हस्ती ने भारत की हार पर क्या कहा है और साथ ही साथ जो आप एक अफवाह सुन रहे होंगे कि धोनी जी रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं तो उनके बारे में भी क्या कहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सौरभ गांगुली जी के बारे में। उन्होंने दोस्तों जो बोला है भारत की हार पर कि भारत की हार में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, उन्होंने बोला है दोस्तों आपको मालूम होगा भारत के 3 विकेट 5 रन के नुकसान पर गिर गए थे। पहले रोहित शर्मा जी, फिर विराट कोहली जी और राहुल, ठीक है, केएल राहुल, ये 3 विकेट भारत के इतने जल्दी गिरे कि भारत के जो प्रशंसक थे दोस्तों निराशा से भर गए थे। तो उन्होंने बोला है कि जैसे ये 3 विकेट गिरे, धोनी जी का जो नंबर था 7वें जितने भी नंबर पर, उनको दोस्तों इनके तत्काल बाद बुलाना चाहिए था, क्योंकि जो धोनी थे इनका कहना है कि वो थोड़ा चाहे जो जडेजा थे वो धोनी जी के कारण ही मार पा रहे थे, खुलकर खेल पा रहे थे और थोड़ा मतलब संभल कर खेल पा रहे थे, क्योंकि धोनी पुराने खिलाड़ी हैं तो वो एक जो नए खिलाड़ी रहते हैं उनको गाइड करते करते वो शायद जो हमारे विकेट फिर पांड्या जी का गिरा, फिर और भी बहुत सारे विकेट गिरे, वो शायद हमारे बच सकते थे। तो उन्होंने बोला है कि एक तो जो धोनी को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आना चाहिए था, यानी कि जो आता है जो उनको 6वें 7वें जितने नंबर पर बुलाया जाता है उससे पहले बुलाया जाता तो शायद कुछ हो सकता था। तो सौरभ गांगुली जी ने ये कहा है। वहीं दोस्तों जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने दोस्तों बोला है कि हर बार रोहित या कोहली भारत को नहीं जिता सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही है और यह भी अच्छा नहीं है कि धोनी हर बार हमें जिताएंगे, कई बार वे कई मैच जिता चुके हैं, और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ कही है। सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि 240 रन का जो मैच था वो चेज नहीं कर पाना ये निराशा करने वाला है। फिर उन्होंने बोला पहली बार हमारे टॉप जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन नहीं कर सके, न्यूजीलैंड के खिलाफ ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे, वही दोस्तों सेमीफाइनल में। और फिर कहने का मतलब ये दोस्तों, उन्होंने ये जो सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है कि सभी खिलाड़ियों को थोड़ा बहुत चलना चाहिए, यही नहीं कि जो शुरुआत के खिलाड़ी हैं वही अच्छा कर पाए या फिर धोनी ही कुछ अच्छा करें। वहीं दोस्तों जो लता मंगेशकर जी हैं स्वर कोकिला, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है दोस्तों धोनी जी से कि धोनी जी रिटायरमेंट का विचार भी मन में मत लाइए, और उन्होंने बोला है कि देश को आपकी अभी ज़रूरत है और क्रिकेट में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने दोस्तों एक और चीज़ बोली है कि जो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच आईपीएल प्लेऑफ की तरह होना चाहिए, आईपीएल में टॉप 2 टीम के पास फाइनल में पहुंचने के 2 मौके रहते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या था, इंडिया टॉप टीम थी लेकिन उसके पास फाइनल में पहुँचने का एक ही मौका था कि आप सेमीफाइनल जीतो, यदि आप हारे तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो लता मंगेशकर जी ने धोनी जी से रिक्वेस्ट किया है कि आप रिटायरमेंट का जो मन विचार है वो मन में भी मत लाइए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।